पंजाबी अकैडमी चैनल विच आप सब दा एक बार फिर तो स्वागत है। इस तो पहला कि आप जी वीडियो देखो, मैं आप जी नूं बेनती करती हाँ कि नवीं वीडियोज़ प्राप्त करन लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते नाल ही बैल आइकन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करो। अज दा टॉपिक है वार्तक भाग विच दर्ज निबंध बाबा राम सिंह कूका। इस दे असी अज सार ते प्रश्न उत्तर करांगे जिस दे लेखक हन सरदार कपूर सिंह। बाबा राम सिंह कूका दा सार। बाबा राम सिंह जी 1816 ईस्वी विच पैणी राइयां विखे सरदार जस्सा सिंह दे घर जन्मे ते जवान होण ते अपने पनवईए सरदार काबल सिंह दी प्रेरणा नाल महाराजा रणजीत सिंह दी घोड़सवार फौज विच भर्ती हो गए। आपने अपने घर जन्मियां दो पुत्रियां नूं पालिया पोसिया ते विद्या दित्ती। हजरे विखे आप महापुरख बाबा बालक सिंह तो प्रभावित हो के वधेरे तत्परता नाल भजन करन लगे ते सिंघां दी अंग्रेजां नाल मुदकी दी लड़ाई मगरों आप पैणी आ के दुकान करन ते दसवंत कढ़न लगे अते बाबा बालक सिंह द्वारा स्थापित जगियासू अभियासियां दी जत्थेबंदी दे पंजाब विच प्रचारक थापे गए जो मगरों कूका जां नामधारी जत्थेबंदी अखवाई अपने श्रद्धालुआं द्वारा भेजे दसवंत नूं आप लंगर उत्ते खर्च करदे ते ओह आप नूं बाबा गुरु जां सतगुर कहन लगे। आप दा निशाना लोकां विच शरीर दी रहने बहने दी स्वस्थता वहमां भरमां तों मुक्ति इस्त्री मर्द की बराबरी आत्मा नूं धार्मिक तौर ते तकड़ी करन ते देश दी प्रधानता ते खात्मे दी प्रेरणा पैदा करना सी। आप दी प्रेरणा नाल आप दे श्रद्धालुआं ने अंग्रेजां दे डाक प्रबंध रेलां ते कचहरियां दा मुकम्मल बाइकाट करके अपना डाक प्रबंध चालू किया। कुछ गल्लां आप दे वसों बाहर होण करके अंग्रेजां ने आप नूं देश निकाला दे के रंगून भेज दिता जिथे 1885 ईस्वी विच आप दा देहांत हो गया। हुण असी क्वेश्चन आंसर करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा बालक सिंह दा बाबा राम सिंह ने केड़ा केड़ा प्रभाव कबूलिया। उत्तर, बाबा बालक सिंह बड़ी उच्ची अवस्था दे मालक सन। आप हिंदू मुसलमान ते सिख सब नूं शुद्ध आचरण धर्म दी किरत कमाई ईश्वर अल्लाह ते वाहिगुरु दे सिमरन दा उपदेश दिंदे सन। बाबा राम सिंह उत्ते बाबा जी दे इन्हां उपदेशां दा बड़ा असर पिया। नैक्सट क्वेश्चन, केड़ी जत्थेबंदी नामधारी जां कूकां दी जमात अखवाई अते इसदा प्रसार किवें होया। उत्तर, जगियासुआं अभियासियां दी जत्थेबंदी समां पा के नामधारियां जां कूकियां दी जमात अखवाई। जदों इस दे उपदेशां दा प्रचार ते नामधारी जत्थेबंदी पंजाब दे बहुत सारे इलाके विच फैल गई तां श्रद्धालु बाबा राम सिंह कोल अपना दसवंत भेजन लगे ते ओह उस नूं लंगर उत्ते खर्च दिंदे। थोड़े सालां विच नामधारी जत्थेबंदियां पंजाब दे बहुत सारे जिलियां विच बन गईयां। नैक्सट क्वेश्चन, बाबा राम सिंह जी ने जो उपदेश दित्ते उन्हां नूं संखेप विच लिखो। उत्तर, बाबा जी ने लोकां नूं अपने शरीर ते रहनी बहनी स्वस्थ रखन वहमां भरमां तों मुक्त रहन इस्त्री मर्द की बराबरी आत्मा नूं धार्मिक तौर ते सुरजी ते तकड़ी करन दे देश नूं देशी ते विदेशी हाकमां दी पराधीनता तों मुक्त करवाउण दे उपदेश दित्ते। नैक्सट क्वेश्चन, बाबा राम सिंह जी नूं बाबा क्यों कहा जांदा सी। उत्तर, बाबा राम सिंह जी नूं बाबा इस करके कहा जांदा सी क्योंकि पंजाब विच उच्ची आत्मिक अवस्था वाले महापुरखां लई इस शब्द की वरतों की जाती है जो कि उन्हां दे सन्मान दा सूचक है। नैक्सट क्वेश्चन, बाबा राम सिंह ने अपने जीवन निर्वाह लई किहड़े किहड़े किते अपनाए। उत्तर, अपने जीवन निर्वाह लई बाबा राम सिंह जी पहला महाराजा रणजीत सिंह दे घोड़ चढ़िया दी पलटन विच भर्ती हो गए ते फिर इस नौकरी नूं छड के उन्हां पिंड भैणे विच लोहे कपड़े दी हट्टी पा लई। नैक्सट क्वेश्चन, बाबा राम सिंह जी ने इस्त्री जाति दी भलाई लई की उपदेश दित्ते। उत्तर,
बाबा राम सिंह जी ने कुड़ियां ते इस्त्रियां दी भलाई लई कुड़ियां मारन विरुद्ध आवाज़ उठाउंदियां उन्हां नूं मुंडियां वांग ही पालन पोषण पढ़ाउण ते व्यौण उत्ते जोर दित्ता। लेखक अनुसार उन्हां दा इह कम ही उन्हां नूं संसार दे श्रोमणी सुधारकां दी लाइन विच खड़ा कर दिंदा है। नैक्सट क्वेश्चन, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪਚੱਦਾ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਉੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਡਾਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 1860 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।